नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपूत है और आज आपके सामने मैं जो पेश कर रहा हूँ वो SBI लाइफ इंश्योरेंस का नया टर्म प्लान है जो कि 18 अगस्त 2021 को लॉन्च हुआ है और इस प्लान का नाम है SBI लाइफ ई शील्ड नेक्स्ट। ये प्लान बहुत ही अच्छा प्लान है। पहले उनके पास जो प्लान अवेलेबल था वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म ही दे रहा था, लेकिन ये प्लान में उन्होंने बहुत सारे यूनिक फीचर्स लेकर के आए हैं जो कि अदर कंपनी के कंपटीशन में है। और किस तरीके से ये फीचर्स हैं, क्या नए फीचर्स हैं जो बाकी कंपनी में नहीं है, तो ये पूरे फीचर्स और पूरे प्लान की मैं आपको डिटेल्स में जानकारी दूंगा। प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो देखिए और मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। तो आप देखते हैं हम इस पॉलिसी के की फीचर्स क्या है। इस पॉलिसी में आप लेवल सम इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, इंक्रीजिंग कवर ले सकते हैं और आप फ्यूचर में आपको जो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से आपका इंश्योरेंस कवर भी बढ़ना चाहिए, तो उसके रिलेटेड भी फ्यूचर प्रूफिंग बेनिफिट भी हम लोग लेकर गए हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत। इस पॉलिसी के अंतर्गत आप 100 ईयर होल लाइफ का भी ऑप्शन लिया है और 85 ईयर तक का भी ऑप्शन दिया हुआ है। पहले 100 ईयर तक का और 85 का ऑप्शन इस कंपनी में अवेलेबल नहीं थे। इस पॉलिसी में आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म, रेगुलर पेमेंट टर्म और सिंगल प्रीमियम पेमेंट टर्म भी अवेलेबल है, जो कि पहले लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट अवेलेबल उनकी पॉलिसी में नहीं था। इसके अलावा एक और यूनिक फीचर लेकर के आए हैं, बेटर हाफ बेनिफिट। बेटर हाफ बेनिफिट में आप जो कस्टमर है उनकी वाइफ का भी इंश्योरेंस कवर इस पॉलिसी में होगा। वो कैसे होगा वो भी मैं आपको डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करूँगा आने वाली अगली स्लाइड के अंतर्गत। इसके अलावा आप इस पॉलिसी में राइडर भी ले सकते हैं, एक्सीडेंटल राइडर ले सकते हैं एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी राइडर हैं वो भी ले सकते हैं और इन बिल्ट इसमें टर्मिनल इलनेस का बेनिफिट अवेलेबल रहे। बात करें इस पॉलिसी की एंट्री एज, तो आप 18 साल से लेकर 65 साल का व्यक्ति ले सकते हैं, लेकिन अगर आप होल लाइफ पॉलिसी बाय कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम एंट्री एज 45 ईयर तक होनी चाहिए। मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें तो सिंगल पे लिमिटेड पे में आप 65 ईयर की एज तक पॉलिसी बाय कर सकते हैं, रेगुलर पे में आप 60 ईयर तक की पॉलिसी बाय की एज तक आप टर्म बाय कर सकते हैं और अगर आप वाइफ के लिए जो बेनिफिट वाला आप बेटर हाफ ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो मैक्सिमम आपकी एंट्री एज 55 ईयर तक रहेगी। टोटल मैच्योरिटी एज पॉलिसी में आप 100 ईयर और 85 ईयर तक ले सकते हैं। दूसरे अगर मैं ऑप्शन अलग और ऑप्शन की बात करूँ तो इसमें अगर मिनिमम समय से देखा जाए तो 75 लाख रुपीज़ है, मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप स्मोकर हैं तो आप 99 लाख का ही मैक्सिमम पॉलिसी कवर ले। इस पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट टर्म की, तो आप होल लाइफ पॉलिसी में लिमिटेड पे अगर आप सेलेक्ट करते हो तो 7 पे 10 पे 15 पे 20 पे 25 पे, और अगर आप लिमिटेड पे में अगर आप होल लाइफ नहीं ले रहे हो 85 ईयर तक कवर ले सकते हो तो 5 पे 7 पे 10 पे 15 पे 20 पे 25 पे ये आप प्रीमियम पेमेंट टर्म। जब व्यक्ति टर्म प्लान लेना चाहता है या उनको वरीज होती है फ्यूचर को लेकर के कि उनकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फ्यूचर में कैसे होगी, अगर उनको कल कुछ हो जाए तो स्पाउस की देखभाल कैसे होगी, फ्यूचर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे होगी, तो ये प्लान सारी चीज़ें कवर करता है। फ्यूचर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देखे तो टर्म प्लान में आ जाता है। एक ऑप्शन है फ्यूचर प्रूफिंग बेनिफिट। इस पॉलिसी ये फीचर्स बहुत यूनिक फीचर थे, ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मकान खरीदते हो या आपकी शादी होती है या आपके बच्चों का जन्म होता है तो आप इंश्योरेंस कवर बढ़ा सकते हैं, तो ये एक यूनिक फीचर थे इसमें। इसके अलावा अगर डेथ हो जाती है जो पॉलिसी ले रहे हैं तो उसके बाद उसके स्पाउस का कैसे इंश्योरेंस कवर होगा, ये भी एक यूनिक फीचर है, तो वो भी मैं आपको डिटेल। और भी कस्टमर को वरीज रहती है, जब अपना देश आज़ाद हुआ था उस समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, जब कितना आदमी जी सकता है, तो वो सिर्फ एवरेज देखे तो 33 साल थी, अब ये बढ़ के 70 ईयर हो गई है। फ्यूचर में जैसे जैसे मेडिकल साइंस इम्प्रूव होगा शायद आदमी और ज़्यादा ज़िंदा रहेगा, भले दवाई खा के ज़िंदा रहे, तो फ्यूचर में लंबे टाइम तक अगर व्यक्ति ज़िंदा रहता है तो उसको और इंश्योरेंस कवर की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे आप 100 ईयर तक की पॉलिसी ले सकते हैं, होल लाइफ पॉलिसी का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप बात करें नीड्स के अनुसार कि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आप इसमें लिमिटेड पे कर सकते हैं, जो कि अभी नया फीचर्स लॉन्च हुआ, इससे पहले SBI में ये फीचर्स अवेलेबल नहीं था। और एडिशनल बेनिफिट की बात करें तो आप राइडर इसमें ऐड करवा करके आप एडिशनल बेनिफिट भी ले सकते हैं।
अब अगर बात करें इस पॉलिसी के ऑप्शन की, तो इसमें लेवल इंश्योरेंस कवर है। लेवल मतलब आपने जितना इंश्योरेंस कवर लिया है, और अगर कल कुछ हो जाए तो उतना बेनिफिट आपको मिल जाएगा। सपोज 1 करोड़ का पॉलिसी ली, डेथ हुई, 1 करोड़ मिल जाएगा पॉलिसी कंप्लीट। लेकिन अगर आपने पॉलिसी लिया है इंक्रीजिंग कवर, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सपोज एक व्यक्ति हैं जो 30 साल के हैं, और वो इंक्रीजिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, 2 करोड़ रुपये का टर्म पॉलिसी लेते हैं, तो हर 5 साल के गैप के बाद उनका 10% इंश्योरेंस कवर बढ़ जाएगा। तो 5वें साल पे उनका कवर बढ़ के हो गया 2 करोड़ 20 लाख, 10वें साल पे उनका इंश्योरेंस कवर बढ़ के हो गया 2 करोड़ 40 लाख। अब उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है तो फैमिली को कितना मिलेगा? 2 करोड़ 40 लाख रुपए। तो ये हर 5 साल के गैप के बाद में 10% बढ़ता जाता है। मैंने बताया था कि फ्यूचर प्रूफ इन बेनिफिट। अब इस प्लान के अंदर आप ऐसा देखेंगे कि जब आपने पॉलिसी ली, सब पे उस समय आपकी शादी नहीं होती, 2-3 साल बाद में आपकी मैरिज हो जाती है, तो आप अपने इंश्योरेंस कवर का 50% बढ़ा सकते हैं, या मैक्सिमम 50 लाख, विच एवर इज लोअर। कि सपोज अगर आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है, या 2 करोड़ की सपोज पॉलिसी ली है, तो इसका 50% हुआ 1 करोड़, या 50 लाख, दोनों में से कम कौन सा है? 50 लाख। या अगर आपने 50 लाख का ही कवर लिया, तो उसका 50% 25 लाख, या 50 लाख, तो विच एवर इज लोअर कितना? तो 25 लाख। तो इतना आपकी मैरिज पे इंश्योरेंस कवर आपका बढ़ जाएगा। पहले बच्चे की जन्म पे 25% या 25 लाख, दोनों में से जो कम है। दूसरे बच्चे के जन्म पे भी 25% या 25 लाख, जो दोनों में से कम है। और अगर आप घर परचेज करते हो तो 50% ऑफ बेसिक सम अश्योर या 50 लाख, विच एवर इज लोअर होगा, वो आपके अलग अलग लाइफ स्टेज पे इंश्योरेंस कवर बढ़ता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक व्यक्ति है संकेत, जो कि 28 साल के हैं, वो 1 करोड़ रुपए की ये पॉलिसी बाय करते हैं। उनकी शादी हो जाती है 2-3 साल के बाद, तो उनका इंश्योरेंस कवर 50 लाख से बढ़ जाएगा, 1.5 करोड़ का हो जाएगा। फिर उनके पहले बच्चे का बॉर्न होता है तो 25 लाख से और कवर बढ़ जाएगा, तो 1.25 लाख हो जाएगा। फिर वो एक घर परचेज करते हैं तो 50 लाख वहाँ बढ़ जाएगा, तो अब 2.25 करोड़ का हो जाएगा। फिर उनके दूसरे बच्चे का बॉर्न होता है तो 25 लाख से और कवर बढ़ जाएगा, तो टोटल 2.5 करोड़ हो जाएगा। अब उनकी जितनी लंबे समय तक पॉलिसी टेन्योर है, तब तक ये 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस कवर। जैसे कि मैंने बताया, इस पॉलिसी में एक यूनिक बेनिफिट है जिसका नाम है बेटर हाफ बेनिफिट। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये पॉलिसी में पहले कंडीशन समझ लीजिए कि हस्बैंड वाइफ का जो एज है उसमें 10 साल से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब सपोज कि मान लो एक हस्बैंड ने पॉलिसी ली है और उनकी डेथ हो जाती है, तो जितने का कवर लिया है वो वाइफ को मिल जाएगा, और वाइफ का खुद का 25 लाख का इंश्योरेंस कवर ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जब तक वाइफ जिंदा है तब तक उनका 25 लाख का कवर चलेगा, और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वो 25 लाख नॉमिनी को मिल जाएंगे। इसके साथ में जब जो पॉलिसी कवर कर रहा था, सपोज हस्बैंड ले रहे थे, उनकी डेथ पे इस पॉलिसी में प्रीमियम भी माफ़ हो जाएंगे उनकी डेथ होते ही, और 25 लाख का वाइफ के लिए पॉलिसी का नया कवर ऐड को करके ऑटोमेटिक ये पॉलिसी चलती रहेगी। अब इस फीचर्स में एक्सक्लूजन क्या है? सपोज हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ एक साथ में होगी, मान लो एक्सीडेंट हो गया, दोनों की डेथ एक साथ में हो गई, तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर वाइफ की एज 60 हो जाती है, उसके बाद अगर उनके हस्बैंड की डेथ होती है, तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर हस्बैंड की डेथ 60 से पहले हो जाती है और उनको ये बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन वाइफ सुसाइड कर लेती है विद इन 12 मंथ, तो ये वाला। अब इस बेनिफिट को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 35 साल के व्यक्ति हैं, उनकी वाइफ 30 साल की हैं, और वो 1 करोड़ का बीमा कवर लेते हैं। 15वें साल पे हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो पूरा 1 करोड़ रुपये फैमिली को मिल जाएगा, वाइफ को मिल जाएगा। 25 लाख का इंश्योरेंस कवर एक्टिव हो जाएगा वाइफ के लिए, और बाकी के जितने भी प्रीमियम भरने हैं वो माफ़ हो जाएंगे। अब मान लो कि थोड़े साल बाद वाइफ की भी डेथ हो जाती है, तो 25 लाख रुपये उनके जो नॉमिनी टर्मिनल इलनेस बेनिफिट, ये इनबिल्ट फीचर्स हैं। इस फीचर्स के अंतर्गत अगर डॉक्टर राइटिंग में ये लिख के दे देता है कि कस्टमर की डेथ विद इन 6 मंथ किसी डिजीज से होनी ही होनी है, मतलब उनकी डेथ हो जाएगी, और डॉक्टर ये लिखित में दे देते हैं, तो आपको 2 करोड़ रुपए तक का, या आपका जो बेसिक सम एश्योर है वो फैमिली को मिल जाएगा। कि सपोज आपने 1 करोड़ का बेनिफिट लिया हुआ है, इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है, और आपकी टर्मिनल इलनेस डायग्नोज हो गई है, और डॉक्टर ने राइटिंग में ये लिख के दे दिया है, तो 1 करोड़ उनकी डेथ से पहले भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका इंश्योरेंस कवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, मान लो 4 करोड़ का है, तो 2 करोड़ तो उस समय डायग्नोज होने पर मिलेगा, और बाकी का 2 करोड़ डेथ होने। अब अगर बात करें इस पॉलिसी में राइडर की, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर हैं,
और टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटीज वाला राइडर भी है। मिनिमम इसमें आप 25 लाख और मैक्सिमम 50 लाख का कवर ले सकते हैं। अगर एक्सीडेंटल डेथ वाला आप राइडर लेते हो, इसमें डेथ हो जाती है, फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख का कवर लिया था, 50 लाख का राइडर लिया था, आपकी डेथ एक्सीडेंट में हो गए, तो पूरा 1 करोड़ फैमिली को मिल जाएगा। वही अगर आपने टोटल एंड ये परमानेंट डिसेबिलिटीज वाला राइडर लिया है और अगर एक्सीडेंट हो जाता है और आप परमानेंट अपंग हो जाता है, इन दैट केस डेथ नहीं होने पर भी आपका जो राइडर 50 लाख का कवर आपने लिया वो 50 लाख फैमिली को मिल जाएगा, और जब डेथ हो जाएगी फ्यूचर में, इन दैट केस बाकी का 50 लाख भी उस वक्त मिल जाएगा। पेड अप बेनिफिट बहुत ही अच्छा फीचर है, बहुत कम कंपनियों के पास में होता है, लेकिन इस टर्म प्लान में ये फीचर्स हैं। अब ये पेड अप बेनिफिट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम राकेश राजपुरोहित है और राकेश जी ने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है, जिसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म सेलेक्ट किया 5 साल, पॉलिसी टर्म उन्होंने सेलेक्ट किया वो 85 ईयर का। अब राकेश जी ने 3 प्रीमियम भर दिए हैं और बाकी के 2 प्रीमियम वो किसी कारणवश नहीं भर पा रहा है या नहीं भरना चाहते हैं, तो टोटल कितने प्रीमियम भरे, 3, कितना भरना था, 5, यानी कि कितना परसेंट भर दिए, 60%, तो 1 करोड़ का 60% कितना हुआ, 60 लाख, तो 60 लाख का इंश्योरेंस कवर, फिर भी उनकी एज 85 ईयर तक चलता रहेगा। ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है पेड। अदर और फीचर्स की बात करें तो इस पॉलिसी को आप 5 साल तक रिवाइव कर सकते हैं। मान लो आपने पॉलिसी 2021 में ली, 2022, 23, 24, 25 तक आप प्रीमियम नहीं भर पाए किसी एक्स वाई जेड रीजन थे, तो भी 2026 तक ये पॉलिसी आप रिवाइव करवा सकते हैं। 5 साल आपको टाइम मिलता है इस पॉलिसी को वापस शुरू करवाने में। ग्रेस पीरियड इस पॉलिसी में आपको 30 डेज मिलेगा। सपोज आपने पॉलिसी परचेस करी है 1 सितंबर 2021 को, आपका प्रीमियम वापस रिन्यूअल आ रहा है 1 सितंबर 2022 को, लेकिन आप 1 सितंबर को नहीं भर पा रहे, तो पूरा 1 महीना 30 दिन तक आप टाइम ले सकते हैं, और उस 30 दिन के दौरान भी आप प्रीमियम भरेंगे तो पॉलिसी कंटिन्यू हो जाएगी, और इस 30 दिन के दौरान भी अगर डेथ भी हो जाती है तो भी 1 करोड़ रुपये मिलेगा। तो ये ग्रेस पीरियड 30 डेज का रहेगा इस पॉलिसी में। बात करें इसकी अंडरराइटिंग गाइडलाइंस की, तो यहाँ पे मिनिमम 12वीं पास होना ज़रूरी है और 5 लाख की इनकम होना ज़रूरी है। भले ही आप सैलरीड हो या बिजनेस पर्सन हो, आपकी 5 लाख की इनकम है और आप 12वीं पास है, तो आप इस टर्म प्लान के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप 10वीं पास हो फिर भी ये टर्म पॉलिसी आप लेना चाहते हो, तो आपका मिनिमम इनकम होना 10 लाख होना अनिवार्य है, तभी आप ये पॉलिसी बाय कर सकते हैं। कुछ इनकम प्रूफ में आपको रिबेट भी मिली हुई है, लेकिन अगर वो तब है जब आप किसी गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहे हो या रेप्यूटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, और आप 40 साल से कम की आपकी एज है और आप मैक्सिमम 50 लाख तक का कवर लेना चाहते हो, इन दैट केस आपको इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसमें आपको अगर आप 25 गुना 20 गुना 15 गुना आपकी एज के अनुसार आपकी इनकम का मल्टीप्लायर रहेगा, उसके अनुसार ही आप इस अगर समराइज करूँ मैं इस पॉल प्लान को, तो ये बहुत अच्छा प्लान है। SBI वन ऑफ द बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में काफ़ी सालों से, और काफ़ी अच्छा बिजनेस भी कर रही है। चूँकि उनके पास बहुत अच्छे प्लान पहले से भी अवेलेबल थे, लेकिन टर्म प्लान में कहीं ना कहीं लिमिटेशंस उनके पास बहुत ज़्यादा थी आज से पहले, क्योंकि उनके पास लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म के टर्म प्लान नहीं थे। आप 100 ईयर की पॉलिसी टर्म देखे तो नहीं थे, ये बेटर हाफ वाला प्लान के फीचर्स वो नहीं थे, तो ये बहुत सारे यूनिक फीचर अभी उन्होंने लेकर के आए हैं। काफ़ी सारे प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन लेकर आए हैं, काफ़ी सारे दूसरे पॉलिसी के ऑप्शन लेकर के आए हैं। आपने देखा कि पेड बेनिफिट वाला फीचर्स भी हैं, राइडर्स भी इस पॉलिसी में अवेलेबल हैं, 12वीं पास भी ये पॉलिसी ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियाँ ग्रेजुएशन मांगती हैं, तो ये भी एक अच्छा फीचर है और बहुत अच्छा ब्रांड है। तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी देखना चाहते हैं इस कोविड टाइम में, इस टफ टाइम में अपने फैमिली के लिए, तो ये वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी मैं सजेस्ट करूँगा, आपको ज़रूर से पॉलिसी लेना चाहिए और टर्म प्लान तो आपको ज़रूर लेना ही चाहिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है, आप मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुरोहित FFS ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको पॉलिसी बाय करना है तो मेरा नंबर है 9909403412, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।